ये माँ भंडारी घड़ी का आदिपीठ। अंदर जो मोबाइल अलाउ नहीं है इसलिए मैं बाहर से निकल रहा हूँ, जो कि इनका बहुत एक बड़ा हिस्टोरी है जो कि रिलेट करता है नवरंगपुर राजा के मतलब साथ। नवरात्रि जो नौ दिन यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और ये उनका पूरा आदिपीठ अंदर में हूँ। और यहाँ पे और एक टेंपल है, ये माँ पेंडराणी का मंदिर है, तो ज़रूर आइए अगर नवरंगपुर आते हो तो, क्योंकि बहुत सिद्धपीठ मानते हैं इसको इनको। नौ दिन जाओ लागो जैसे पवन हो वर्षा हो जू डाले मुझे ये एक और एक मंदिर आया है जो कि राम और प्रभु हनुमान के मंदिर है। ये पूरा कांच से बना हुआ है जो कि मंदिर का इंटीरियर है। ये देखिए मैं भी दिख रहा हूँ, पूरा कांच का ही है, कांच के टुकड़ों से पूरा बना गया है। वहाँ पे गणेश जी का मंदिर है और बीच में राम जी का, और यहाँ पे सबका फेवरेट हनुमान जी का मंदिर। ये देखे चारों ओर कांच ही कांच है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, अगर नवरंगपुर आए तो प्लीज़ ज़रूर यहाँ पे आइएगा। हमने चारों राउंड लिया हूँ और यहीं के पास ही प्रभु शिव के भगवान शिव के टेंपल है। और यहाँ पे वो मंदिर के जो कांच मंदिर है उसके बाहर ही मतलब अंदर ही बेड़ा के अंदर ही प्रभु शिव के टेंपल है। ये पूरा बेड़ा है और वहाँ पे जो रास्ता गया वहाँ पे एक पॉन्ड है। और आखिरी में हम आए हैं माँ बूढ़ी ठाकुरानी के मंदिर जो कि नवरंगपुर फेमस है। ये देखिए पूरा माँ के मंदिर